सीधे चलते हैं एमसी द्विवेदी जी के पास, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। द्विवेदी जी मुझे बताइए आपके अनुभव से कि क्या कोई व्यक्ति जो अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाला हो, इतना बड़ा संत हो जो लोगों को दुख से निकलने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहा हो 2012 से आज तक जब से वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने, क्या कोई इतना बड़ा सुसाइड नोट लिखेगा? क्या आपके गले उतरती है बात? देखिए, सामान्यता ये बात अविश्वसनीय लगती है कि इतना बड़ा संत और इस आयु में आकर सुसाइड करें, परंतु इसमें दो बातें बहुत सूक्ष्म जांच की है। एक तो ये क्या कि सभी कुंडियां क्या अंदर से बंद थी जब वो और दरवाज़ा तोड़ा गया तब लोग पहुंचे, क्योंकि दो दरवाजे बताए गए हैं तो दोनों बंद थे कि नहीं थे अंदर से? अगर अंदर से बंद थे दोनों ही दरवाजे तो ये बहुत ही मतलब सुसाइड की तरफ इंगित करता है। दूसरी बात यह है कि अगर सुसाइड नोट इतना लंबा लिखा है तो इतना लंबा सुसाइड नोट कोई बंदूक की नोक पर नहीं लिखा सकता, ये अपने आप ही लिखा जा सकता। आनंद गिरी जो दोषी है उनकी स्टेटमेंट आ रहा है, उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए, जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझकर के मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। स्वामी जी, उसमें जो है 3 लोगों का नाम आया है, आपका भी सुसाइड नोट में नाम आया, क्या है ये सब? मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है, मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ, उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा, और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जाँचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। क्या लगता है कौन कर सकते हैं हत्या? इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं वो कर सकते हैं, मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया वो करा सकते हैं, अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया वो कर सकते हैं, और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा जिनका भी 3 करोड़ का मकान बनाया गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। तो जैसे संपत्ति का मामला था उस पर क्या कहेंगे, जो संपत्ति का चल रहा था मामला, आप भी अलग हो गए थे, आप तो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, क्या कारण रहा गुरुजी क्यों अलग? आप सबने देखा